ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का 23 में प्रदेश 24 में देश के इस खास मुलाकात सेगमेंट में। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री रहे और इस वक्त सिहावल से कांग्रेस के विधायक कमलेश्वर पटेल साहब। कमलेश्वर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमलेश्वर पटेल विंध्य इलाके से आते हैं और इस वक्त पार्टी में ओबीसी वर्ग का एक प्रमुख और बड़ा चेहरा है। कमलेश्वर जी पहली सवाल यही कि 2018 में सत्ता में तो आ गए लेकिन 15 महीने बाद ही सत्ता से हाथ धोना पड़ा, हालात इस तरह के बन गए, 2023 फिर आ रहा है, क्या कुछ इस बार खास रोडमैप तैयार किया है आप लोगों ने खासतौर पर मिलकर कि 2023 में फिर से सत्ता पर आ सकें? देखिए जो भी हालात पैदा हुए हैं जी और जिस तरह से जनता ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को चुना था और कुछ तथाकथित लोगों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए प्रदेश की जनता के साथ धोखा देने का काम किया और जिसकी वजह से जिस तेजी से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 15 महीने में चाहे वो गौशालाओं का निर्माण हो, आवारा पशुओं से सबसे ज़्यादा किसान परेशान है, बिजली के बिल का विषय रहा हो, 10 आस पावर तक बिजली का बिल किसानों का आधा करने का काम किया था, इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत एक रुपये एक यूनिट बिजली का प्रावधान करके राहत देने का काम किया था, घरेलू बिजली का भी, और हर कोई खुशहाल था। किसानों की कर्ज माफी का भी निर्णय जो कांग्रेस पार्टी का था, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ करने का काम कांग्रेस सरकार ने किया था और इसके साथ ही बहुत सारे जनहित के काम, चाहे आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हो या अन्य बहुत सारे कार्यक्रम के माध्यम से गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, यहाँ तक कि नौजवानों को भी स्थानीय रोजगारों में प्राथमिकता देने के लिए 70% स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने के लिए नीति बनाने का, उद्योग स्थापित हो उसके लिए भी जिस तरह से मैग्निफिसेंट एमपी का आयोजन इंदौर में किया गया था और जिस तरह से देश का ऐसा कोई उद्योगपति नहीं था जो उपस्थित नहीं था, तो कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही थी, प्रदेश की जनता बहुत राहत महसूस कर रही थी। पर आने वाले समय में हम ये कह सकते हैं कि जो 15 महीने का कार्यकाल और यूपीए गवर्नमेंट का हो या कांग्रेस पार्टी ने जो देश के लिए काम किया है, चाहे वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1 रुपये 2 रुपये किलो अनाज का विषय हो और चाहे आपका गरीबों को 25% प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का। कमलेश्वर पटेल साहब इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि 15 महीने के दौरान कमलनाथ सरकार ने जो काम किया उस सरकार का हिस्सा मंत्री के रूप में आप भी थे, आप चूंकि विंध्य इलाके से आते हैं, पिछली बार सत्ता जरूर मिल गई थी लेकिन विंध्य इलाके में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद कमजोर था। 30 सीटें हैं मोटे मोटे तौर पर इस इलाके की और महज 6 सीट ही कांग्रेस यहां पर जीत पाई थी, क्या ऐसी वजह रही पिछली बार, कहां कमी रह गई थी? देखिए भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो सरकार में बैठे इनके पार्टी के जो लोग हैं, ये छल कपट में बहुत माहिर है, बहुत सारा इस प्रकार का न्यूसेंस क्रिएट करना, वातावरण तैयार करना, और कहीं ना कहीं वो सफल रहे पर इस बार सफल नहीं होंगे। प्रदेश की जनता इनके महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, बिजली की बिल की समस्या हो, यूरिया डीएपी खाद की समस्या हो, समय पे खाद बीज नहीं मिलना, बहुत सारे आवारा पशुओं से जिस तरह से परेशान है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और ये चाहे कितने भी इवेंट कर लें, कितने भी तरह तरह की बातें कर लें, पर सच बात यह है कि संबल योजना का पैसा 2.5 साल से जो आपदा में लोग खत्म होते हैं उनकी राशि उनके खाते में नहीं जा रही, हितग्राही परेशान है और डेली ये आयोजन करते हैं, कभी मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान चलाएंगे तो कभी आओ बनाए अपना मध्य प्रदेश की बात करेंगे, तो एक समय तो ग्राम उदय से भारत उदय महीनों चला था पिछली सरकार के टाइम में इनके, और आज तक किसी का उदय नहीं हुआ, भाजपा के नेताओं का जरूर उदय हो रहा है, ये संपन्न हो रहे नगर उदय से भारत उदय, तो ये सिर्फ इवेंट वाली सरकार है और इसी में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। आज प्रदेश की जनता भुखमरी की कगार पर है। आपने ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही कि तरह तरह की बातें होती हैं पंचायतों में, उचित मूल्य की दुकानों से गायब है जी। कमलेश्वर जी आपने अभी कहा कि तरह तरह की बातें हुई, राजनीति के जानकार इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि अजय सिंह राहुल और आपके बीच में जो मतभेद हैं या मनभेद हैं या जो भी चीजें हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए बहुत सारी बातें हैं पर सच बात यह है कि आज कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक नेता कार्यकर्ता सब एकजुट हैं और मध्य प्रदेश की जनता भी, यहाँ के बेरोजगार नौजवान,
शिक्षा का क्या हाल कर दिया इन्होंने, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल कर दिया। आज स्कूलें खाली पड़ी है, शैक्षणिक व्यवस्था चरमरा गई है, कोविड के टाइम में लोगों की जानें चली गई, नोटबंदी से जीएसटी से पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, पेट्रोल डीजल से लेके हर वस्तु इतनी महंगी हो गई है, सब पे 5% जीएसटी लगा दिया, खाद्यान्न वस्तुओं पे भी। आज हर व्यक्ति परेशान है भाजपा के राज्य में, और सब कोई बस परिवर्तन के लिए समय का इंतजार कर रहे हैं। कमलेश्वर जी, कोई चाल नहीं चल रही। अजय सिंह राहुल और आपके बीच में मतभेदों की बात भी लगातार होती है, बदलाव होगा इस विषय पर क्या कहेंगे? दोनों के बीच मतभेद थे या अब खत्म हो गए हैं, इस पर क्या कहेंगे? मेरा कोई मतभेद नहीं है, मेरा कोई कभी कभी मतभेद नहीं रहे हैं। ये तरह तरह के मतभेद, जैसा हमने कहा, ये तथाकथित लोग कुछ इस तरह का वातावरण पैदा करते हैं। हम सब एक हैं, और हम सबका उद्देश्य सिर्फ यही है कि मध्य प्रदेश की जनता को राहत मिले, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को राहत मिले, महंगाई से निजात मिले, भ्रष्टाचार से निजात मिले, एक अच्छी सरकार बने जहाँ किसान भी खुशहाल हो, यहाँ कुपोषण से निजात मिले। जिस तरह का शिक्षा की शैक्षणिक व्यवस्थाएं आप देखेंगे पूरी तरह से चरमरा गई है, गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता है। व्यवसायिक परीक्षा मंडल 3 बार से परीक्षाएं लेने के, व्यवसायिक परीक्षा मंडल में भी यही हाल है, सिर्फ नाम बदलने का काम कर रहे, एग्जाम्स कराते हैं, बेरोजगारों से फीस भी जमा करा लेते हैं, परीक्षाएं कैंसिल हो जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग जो है, जहां से एमपीपीएससी की परीक्षाएं होती है, 3 बार से परीक्षाएं कैंसिल हो गई। हमारे बेरोजगार जो इतना मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, माँ बाप पता नहीं कैसे कर्जा लेके पढ़ाते लिखाते हैं, उनको कोचिंग कराते हैं, पर सबके भविष्य के साथ सिर्फ इस सरकार ने खिलवाड़ करने का काम किया है। चलिए, तो कुल मिलाकर कमलेश्वर जी लगातार आश्वस्त कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार की जो नाकामियां हैं वो उसका फायदा मिलेगा, 15 महीने के दौरान जो काम किए हैं कमलनाथ सरकार ने उसमें फायदा मिलेगा। ओबीसी वर्ग की बात करें कमलेश्वर जी, ओबीसी वर्ग की जब भी बात होती है आप सबसे आगे रहते हैं, मुखर रहते हैं, आपको क्या लगता है 2023 में इस वर्ग का साथ कांग्रेस को मिल पाएगा? क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जाहिर सी बात है आपका जवाब हाँ में ही होगा, लेकिन क्या वजह बताएंगे आपकी, ये वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से ये वर्ग इस बार कांग्रेस के साथ आने वाला है? देखिए ओबीसी के साथ तो बहुत बड़ा कुठाराघात मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार ने किया है। सबसे पहले महाजन आयोग गठित हुआ था, 14% आरक्षण देने का कानून पारित हुआ था, और उसके तहत 14% ओबीसी के लोगों को नौकरियों में, शिक्षा में आरक्षण मिलने का प्रावधान किया था। पर मध्यप्रदेश की दिग्विजय सिंह सरकार जब थी उस समय भी 27% आरक्षण का प्रावधान किया था, कोर्ट में इन्हीं के लोग जाके वहां से रुकवाने का काम किया, कई साल कोर्ट में चलता रहा। मुख्यमंत्री जी अपने लिए 10 लाख का वकील सरकारी पैसे से मानहानि के मुकदमे के लिए खड़ा करते हैं, और ओबीसी के लिए कोई पैरवी नहीं की और मिला हुआ अधिकार छीन गया। फिर ये सत्ता में रहे 5 साल, उसके बाद कोई कभी 27% आरक्षण देने का प्रावधान नहीं किया। हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है, हम लोगों ने बनते ही माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया, और नोटिफिकेशन भी हो गया और लाभ मिलना शुरू हो गया था। पर फिर कोर्ट में जाते हैं और वहां से रोक लगा देते हैं, रोक सिर्फ 3 विभाग में रहती है, और समझने में इनको सालों लग जाते हैं, और जब विधानसभा में विषय आता है तब ये स्वीकार करते हैं, दोबारा से नोटिफिकेशन कराते हैं, अभी भी कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो सरकार की नीयत ठीक नहीं है। इसी तरह पंचायत चुनाव में जिस तरह से अधिकार मिला हुआ था, जो हमारा D43 और 4 जो प्रावधान था एक्ट में, और उसके तहत जो हमें अधिकार मिले थे, वो अधिकार छीनने का काम किया, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, वहां 27% के लगभग आरक्षण मिला हुआ था, महिलाओं को अलग मिला था, SC ST का तो था ही, ओबीसी के लोगों का भी था और रोटेशन में था, पर इन्होंने जानबूझ के कोर्ट में जाके पहले लोग यहां से, सरकार ने डीनोटिफिकेशन किया, दूसरा आदेश जारी किया, और उसके बचाव में लोग न्याय पाने के लिए कोर्ट जाते हैं, वहां पूरा इन्होंने मचा दिया और स्थिति ये हुई कि मिला हुआ अधिकार ओबीसी का छीन लिया। पंचायत जहां 13 जिला पंचायत अध्यक्ष मध्य प्रदेश में होते थे, इसी तरह नगर निगम में महापौर अध्यक्ष होते थे, तो सारा अधिकार छीन गया, जनपद अध्यक्ष सब संख्या कम हो गई। तो इस सरकार ने ओबीसी के अधिकारों को छीनने का काम किया, तो ओबीसी वर्ग का समर्थन मिलेगा ये कह रहे हैं आप? यूथ कांग्रेस के संदर्भ में बात करना चाहेंगे, आप यूथ कांग्रेस से भी आते हैं, यूथ कांग्रेस के लिए लंबे समय तक आपने काम भी किया, जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने आज हमारे कार्यक्रम को लेकर जो ट्वीट भी किया, उस ट्वीट में भी आपने जिक्र किया है, महंगाई की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, लगातार बेरोजगारी की बात हो रही है, लेकिन इन मुद्दों को लेकर यूथ कांग्रेस, यूथ विंग या कांग्रेस सड़कों पर नजर नहीं आती, जनता से जुड़ाव नहीं हो पा रहा, इसको लेकर क्या कहेंगे आप?
सच बात तो ये है कि महंगाई, बेरोजगारी को लेके, भ्रष्टाचार को लेके आए दिन कांग्रेस पार्टी के, चाहे युवक कांग्रेस का संगठन हो या मेन कांग्रेस के संगठन हो, हमने खुद कई बार आधी रात तक आंदोलन किया है और मजबूरन अधिकारियों को आके आंदोलन खत्म कराना पड़ा है। स्थानीय चाहे ट्रांसफॉर्मर्स जले हुए मुद्दे हो, जो भी स्थानीय जो भी परेशानी है, भ्रष्टाचार का विषय हो, हम लोग लगातार आवाज को उठाते हैं। सच बात यह है कि हमारी आवाज को सरकार लगातार दबाने की कोशिश करती है, इग्नोर कर रही है। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कितना बड़ा डैम फूट गया, आज तक उसका कहीं लेखा जोखा नहीं है। भाजपा के नेता ही ठेकेदार, वही बनाने वाले, वही सेंक्शन करने वाले, सिर्फ लूटपाट चल रही है सरकार में, कोई कानून व्यवस्था नहीं है। कितना बड़ा मजाक है, गांधी जयंती पे बोलते हैं कि हम नशा मुक्त अभियान चलाएंगे, एक तरफ सरकार गांव गांव में टोली मजरे में दारू बिकवा रही है और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम नशा मुक्ति अभियान चलाएंगे, मतलब जहर भी दे रहे हैं और बोलते हैं जहर खाओ भी नहीं। ये कौन सा तरीका है सरकार आपकी, आप कंट्रोल क्यों नहीं करते, क्यों जो निर्धारित दुकानें हैं वहीं क्यों नहीं बिकती दारू। तो इसी तरह आज सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था खराब है मध्य प्रदेश की। कुपोषण की स्थिति में मध्य प्रदेश अव्वल है, महिलाओं में अत्याचार में मध्य प्रदेश अव्वल है। किस चीज में, अब यहाँ पे यहाँ के लोगों को भुखमरी का वही तो मेरा सवाल था कमलेश्वर साहब, वही तो मेरा सवाल था कि कांग्रेस पार्टी के पास तमाम मुद्दे हैं, यूथ कांग्रेस से भी आप लंबे समय से जुड़े हुए हैं, यूथ विंग हो जाए या बाकी लोग है, जमीन पर उतरकर क्या जो संघर्ष होना चाहिए, जो चीजें होनी चाहिए जनता कुछ से जुड़ाव होने के लिए, क्या वो कर रहे हैं आप लोग अभी जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग पूरी तरह से, हमारा भी गांधी चौपाल का कार्यक्रम भी चल रहा है और गांधी चौपाल के कार्यक्रम से हम लोग गांव-गांव में जा रहे हैं, वहां फेरियां भी निकाल रहे हैं, लोगों के साथ बैठ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके साथ किस तरह से महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से किस तरह से लोग परेशान है, मिले हुए अधिकार आज हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने का जिस तरह से काम हुआ। तो आज हम ये कह सकते हैं हर व्यक्ति महसूस कर रहा है, 18 सालों में कोई भर्तियां नहीं हुई, एससी एसटी को जो आरक्षण नौकरियों में मिला था उसका लाभ नहीं मिला, पदोन्नति में आरक्षण था उसका लाभ नहीं मिला, अब चुनाव नजदीक आ रहा है तो बड़ी बड़ी बातें हो रही है। कमलेश्वर जी संक्षेप में बताइएगा इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं सीटों के स्तर पर, 230 सीटों में से इस बार क्या उम्मीद कर रहे हैं? 180 सीट कांग्रेस पार्टी को मिलेगी और भारतीय जनता पार्टी का सफाई होगा, इससे ज्यादा भी सीटें मिल सकती है। कमलेश्वर जी कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में बहुत जीत, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे कमलेश्वर पटेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, युवा नेता हैं, कांग्रेस का आगे आने वाले समय में एक बड़ा महत्वपूर्ण चेहरा है, दावा कर रहे हैं कि 2023 में इनकी सरकार बनने जा रही है और 180 से ज्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि किस तरह से इनके दावों की हकीकत निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, आगे फिर हाजिर होंगे राजनीति के एक और धुरंधर के साथ। नमस्कार।